हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर इस नए ब्लॉग के साथ। तो आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज है बृहस्पतिवार, बाबा रामदेव का दिन। तो भाई कई जगह आज भी भाई दूज मना रहे हैं, तो आपको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके भाइयों की लंबी उम्र करे और आप भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे। तो इसी मंगल कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो बच्चे आज जा चुके हैं स्कूल में काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। और एक बार तो उनका मैसेज आ गया था स्कूल से कि भाई आज की भी छुट्टी है, पर फिर बाद में उन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दी। तो इसलिए आज वो जा चुके हैं स्कूल में और मैं लगी हुई घर के काम में। तो अभी 9 बजने वाले हैं, थोड़ा एक दो काम करके फिर मैं नहा के आऊँगी। और आज धूप भी अच्छी निकली हुई है, सोचती हूँ 5-10 मिनट धूप में भी बैठा हूँ। तो अभी मेरा रहता है एक काम, वो करके फिर मैंने चला दिए साथ साथ अजय के फ़ोन में गायत्री मंत्र, वो चलता रहेगा और मेरा काम भी होता रहेगा। गायत्री मंत्र भाई अच्छा होता है कहते हैं सुनने के लिए। तो ये दही का दूध मेरा हो गया गरम, दूसरा मैं बाद में करूँगी क्योंकि पहले मुझे निकालना है घी। पहले मैं दूध भिगो लेती हूँ, उसकी मैंने तैयारी कर दी। तो अभी मैं पहले दूध भिगो लेती हूँ क्योंकि अजय और शगुन के लिए घी निकालना जरूरी होता है, वो वैसे घी की रोटी खाते नहीं। तो अभी मैं घी निकाल लेती हूँ, उसके बाद करते हैं फिर काम। बने रहिए व्लॉग में एंड तक हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आप लास्ट में अगर भूल भी जाओ तो चेक करके जाएं कि भी लाइक किया या नहीं किया। तो अभी मैं बैठ गई हूँ दूध को बिलोने के लिए। ये आवाज़ बहुत करती है भाई, काफ़ी पुरानी हो चुकी है ना इसलिए, पर बिल्कुल ओके चल रही है। अब भी भैंस जाने के बाद ही ड्यूटी मेरी ख़त्म हो जाती है, जब तक भैंस नहीं जाती तब तक ये ड्यूटी मेरे रहती है दूध बिलोने की, क्योंकि कई कई दिन में बिलोना पड़ता है। तो जब मलाई इकट्ठी हो जाती है तो मैं अपने आप ही बिलो देती हूँ, मम्मी को कहो फिर बिलो, तो मैं अपने आप ही कर देती हूँ ये काम। भैंस भी आ जाएगी जब मम्मी करेगी। तो अभी मैं घी निकाल लूँ, आवाज़ करेगी जाएगा। हेलो दोस्तों, सबको मेरी प्यार भरी राम राम। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम और मैं जा रहा हूँ प्लाट के अंदर, मुझे लेके आने हैं वहाँ से गेहूँ, क्योंकि गेहूँ हो गए हैं ख़त्म और ये गेहूँ हमें ज़रूरत पड़ती है। हम बाबा रामदेव मंदिर पे जाते हैं तो वहाँ पे गेहूँ लेके जाने पड़ते हैं, वो गेहूँ वहाँ पे पक्षियों के लिए काम आते हैं। तो गेहूँ अभी लेने चल रहे हैं अपने प्लाट के अंदर और गेहूँ हम वहीं पे रखते हैं मोस्टली। तो अभी चलते हैं गेहूँ लेने, तो बने रहिए हमारे साथ और आज आपको दिखाते हैं अपना घेर। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों मैं भी अपने घर में जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी अपने घर में और ये देखिए हमारी भैंस कैसे मस्ती मार रही है। ये इसका बेटा, मुझे याद कर रहा। तो गाइस अभी मैं गेहूं डाल लेता हूं जल्दी जल्दी से। तो भैया ज्यादा निकल गए, इसको क्या करूं, ऊपर से डाल देता हूं। ज्यादा थे, ऊपर से डाल दिए। मम्मी ने डिब्बा अच्छा दे दिया है क्या? नहीं गाइस, डिब्बा अच्छा है, ऐसे पकड़ो
और अपना आराम से लेके चलो। तो अभी गाय चलते हैं। अनार लग भी गए कुछ माह तोड़ कर लेकर जा रही है। अच्छा हाँ पक्के हुए हैं, घर आ जा रहे हैं। कुछ मैसे ना खा लिए, कुछ माँ तोड़ लेगी पहले के। चलो तो बस चलते हैं। चलो तो गंडे भी अच्छे हो गए। चले चलो। तो गाइस ये मैं गेहूँ लेके प्लाट से आ गया हूँ। कई दिन से गेहूँ लाने की लगी हुई थी और गेहूँ मैं लेके आ गया। और ये देखिए मम्मी खा रही है सेब। राम राम भाई, राम जी। घूमने नहीं गई मम्मी? कई दिन से मम्मी की तबीयत थी खराब और अब हो गई है ठीक थोड़ी थोड़ी। तो अभी सेब खा के घूमने जाएगी। अब पूरी बाजू के पहने अगर मम्मी, सर्दी होगी। मौसम अब मौसम चेंज हो गया ना। थोड़ा मोटा सा था, जैसा ही पहन लिया कब लूंगी। धूप लगवा ले गर्म कपड़े में। हाँ गर्म कपड़े में धूप ना लगवा ले। तो दोस्तों गेहूं में ले आया मंदिर में जाने के लिए और अभी देख लेते हैं क्या तैयारी की है मंदिर में जाने की। अभी इनको रख देता हूँ। देखता हूँ क्या कर रहे हैं। एक कैन यहाँ पे रख दिया, एक कैन वहां पे रख दिया। पहले इसी को रख के आता हूँ ऊपर। एक कैन रख दिया, दूसरे को रख देता हूँ। मेरा इंतजार कर रहे थे यहाँ पर, मेरा इंतजार करते रहते हैं ये काम का, कब फंसेगा कब काम करेगा। मेरे चक्कर में दोनों कैन जीने में रख रखे थे। तो चलो ये मैंने रख दिए हैं और शायद वो अपना तैयारी कर रही है जाने के लिए मंदिर में। तो बने रहना हमारे साथ दोस्तों। मैं तो जब का रेडी खड़ा हूँ और ये देखिए इनका तो पता नहीं लेडीज़ का क्या होता है, कितना टाइम लगाती हैं आप ये पता नहीं कितना टाइम लेगी। ये देखिए अच्छा कपड़े। और गाइज एक काम मेरे लिए एडवांस रख दिया इसने, एक काम पे तो मेरे को पहले भेजा इसने और दूसरा काम इसने मेरे लिए एडवांस बना के रख रखा था। क्या भला, जीने के अंदर दो कैन लगा रखे थे इसने, एक नीचे एक ऊपर। एक को नीचे से उठा के ले जाओ, एक को ऊपर से उठा के ले जाओ। अब ये भूल गई गाइस। तो वो तो मैं ले गई थी। नहीं नहीं एक आपने ऊपर रख रखा था, एक ने नीचे रख रखा था। तो गाइस दोनों का आप लोगों ने देखा कौन लेके गया, मैं लेके गया हूँ जीने से। एक नीचे से उठा एक ऊपर से उठाया। खाली थे, अब देख लो क्या कह रही है, खाली थे भाई। ये बात होती है पर क्या करे, करना नहीं तो भाई फिर इनको गुस्सा आ जाता। इसलिए परिवार को संभालने के लिए सब कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो गाइस अब बस इसने तैयारी समझ लो कर लिए और चलते हैं। ये हंसी मजाक और ये तो ऐसे ही चलता रहता है। तो चलो अभी चलते हैं और बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस आज अजेगा एक पेपर का रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। कौन सा सब्जेक्ट था जी? साइंस में इसको उम्मीद से ज़्यादा नंबर मिले, इसको उम्मीद नहीं थी उससे अच्छे नंबर मिले। और यहाँ पे दोनों ने मैचअप ड्रेस पहन ली है मंदिर के लिए। इस दिन ज़्यादातर यही चलती है ना, यही कलर होता है गाइस।
बाबा का एक यही कलर है, बिल्कुल सेम तो नहीं है पर यही है। बस अब रेडी चले तो आओ चलते हैं। लाइट भी नहीं जलाई है, सगुन को तो अपने चिप्स की लगी हुई है। गाइस यहाँ पे अंधेरा हो गया है लेकिन सगुन को अपनी चिप्सों की लगी हुई है। भूख लग रही है, भूख लग रही है सगुन में। प्रसाद खा ले, प्रसाद ले आया हूँ मैं, प्रसाद खा ले। लाऊं प्रसाद? प्रसाद अच्छा है खा ले, मैं तो खाऊंगा। तो दोस्तों किस किस को खाना है बाबा रामदेव का प्रसाद? ये रहा, बड़े किस्मत वालों को मिलता है ये प्रसाद, जिसको खाना है वो आ जाओ। तो कोई नहीं खा रहा इनमें से, तो गाइस मैं खा लेता हूँ। और तो दोस्तों बस ये व्लॉग इतना ही, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो हम भी अभी अपना प्रसाद खाते हैं और आप भी अपना काम करिए। तो सबको हमारी प्यार भरे बाय बाय, टाटा, राम राम, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना। तो बाय बाय सगुन, बाय।